हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं कुकुम्बर नूडल सलाद। बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनता है ये, खासकर गर्मी के दिनों के लिए बहुत हेल्दी होता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का खीरा ले लिया है। खीरा को पहले हम छील लेंगे, यहाँ से कट करके ऐसे घिस देंगे ताकि खीरा का कड़वापन निकल जाएगा। छिलका हटा देंगे। यहाँ पे मैंने लच्छे वाला पिलर ले लिया है, आप इसे मोटे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। खीरा से लच्छा कट कर लेंगे। खीरा को ऐसे घुमा घुमा कर लच्छा कट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ऐसे नूडल्स की तरह लच्छा बनाना है खीरा से। खीरा के बस साइड का भाग इस्तेमाल करना है, इसके बीच को हम हटा देंगे। आधा छोटा चम्मच चीनी डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक खीरा रेस्ट करता है तब तक बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कच्चा आम ले लिया है, आधा प्याज लिया है, बंद गोभी लिया है। आधे प्याज को हम बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। प्याज को थोड़ा सा ऐसे उंगलियों से रब करेंगे तो सारे पीस अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे एक प्लेट में रख लेंगे। कच्चे आम का छिलका हटा लेंगे। कच्चे आम से भी हमें लच्छा बनाना है। कच्चा आम हमें बस थोड़ा सा ही ऐड करना है, पूरा ऐड नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे कच्चे आम को मैंने थोड़ा सा ही कट किया है, इतना ही काफ़ी है। एक प्लेट में रख लेंगे। पत्ता गोभी ले लिया है, पत्ता गोभी भी पूरा ऐड नहीं करना है। इसमें से मैं 8 से 10 पत्ते निकाल लेती हूँ पहले। ये जो पत्ते की रीढ़ दिख रही है कट करके हटा देंगे। पत्ते को ऐसे फोल्ड करेंगे, इसे भी नूडल्स की तरह कट करेंगे। ऐसे गोल गोल फोल्ड कर लेंगे, ऐसे रखेंगे और चाकू से बिल्कुल पतला पतला कट कर लेंगे तो बिल्कुल नूडल्स की तरह दिखेगा लंबाई में। ऐसे ही बाकी के पत्ते भी कट कर लेंगे। पत्ता गोभी को ऐसे कट करने के बाद पानी से वॉश करके रख लेंगे। खीरा चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे खीरा से पानी रिलीज होने लग गया है। खीरा के लच्छे ऐसे लेकर अच्छे से निचोड़ देंगे। एक प्लेट में रख लेंगे। पानी को फेंक देंगे। फिर से बाउल ले लिया है, पानी निचोड़ा खीरा ऐड कर लेंगे। कटा हुआ पत्ता गोभी, कटा हुआ प्याज, कच्चे आम के लच्छे, 2 बड़ा चम्मच ड्राई रोस्ट किया सफ़ेद तिल ऐड कर लेंगे। नमक आधा छोटा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा नींबू का रस, थोड़ा सा ताज़ा पुदीना ले लिया है, बारीक कट कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कुकुम्बर नूडल्स सैलेड बनके बिल्कुल रेडी है। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप भी इस तरीके से कुकुम्बर नूडल सलाद एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।